अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां आम जनता के आवेदन पत्रों तथा समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर सैलेन सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे तथा डिप्टी कलेक्टर भारती मेरावी ने 103 आवेदन पत्रों में जनसुनवाई की। अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी 7 दिनों की समय सीमा में जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का निराकरण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र में की गई कार्यवाही से आवेदक को भी अवगत कराएं। जनसुनवाई में उपचार सहायता, सीमांकन, अवैध कब्जा हटाने, मजदूरी भुगतान, पेंशन प्रकरण तथा अन्य आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई है। जनसुनवाई में लोक निर्माण विभाग के कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर बाबूलाल वर्मा तथा भावना पांडे ने फरवरी 2022 से नवंबर 2022 तक के वेतन भुगतान के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण को वेतन भुगतान के निर्देश दिए। शिवदयाल यादव निवासी ग्राम लोनी 521 ने वन भूमि में आवासीय पट्टा के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने एसडीएम तेउथर को प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। रामगोपाल चतुर्वेदी निवासी ओढ़की ने जमीन के सीमांकन तथा नक्शा तरमीम के लिए आवेदन दिया है। अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में राम सनेही वर्मा निवासी सिरमौर ने सार्वजनिक मार्ग से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार सिरमौर को कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम रौली तहसील जवा के ग्रामवासियों ने आवासीय पट्टे के लिए आवेदन पत्र दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार जवा को नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। भोलाराम पटेल निवासी बिलवा कुर्मियान ने सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार सिरमौर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। मोरध्वज शुक्ला निवासी पटना ने क्योटी नहर से उनके खेत के छोर से जल भराव की समस्या हल करने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री क्योटी नहर की नहर में सुधार कराकर जल भराव दूर करने के निर्देश दिए हैं।